हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप IQ Z7 मोबाइल में आप किस तरीके से ऐप्स को हाइड कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कैसे आप हाइड हुए ऐप्स को देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी। तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप रखना चाहते हो ऐप हाइड का, उसको डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है हाइड ऐप्स, तो आपको हाइड ऐप्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है व्यू हिडन ऐप्स, इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले इसको इनेबल करना है। उसके बाद जितने भी ऐप्स को आप छुपाना चाहते हो उनको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद ये ऐप्स आपके हाइड हो जाएंगे, आप देखोगे तो अपने फ़ोन में कहीं भी वो ऐप्स नहीं दिख जाएंगे। तो आपको देखना होगा हाइड हुए ऐप्स को, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आना है और यहाँ पर दो फिंगर को रखना है अपने होम स्क्रीन पर, ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। जैसे आप दो फिंगर को ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, और डाल दोगे पासवर्ड तो यहाँ पर देखिए हाइड हुए ऐप्स आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को छुपा सकते हो और उनको देख सकते हो।